राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फूफा है साला, रात भर जागता रहता है। देखते रहना, पीछे कोई आ तो नहीं रहा। सारे के सारे नजर रखते हैं। बशीरे, उठ, उठ, उठ। रिपोर्टिंग जनाब। कैप्टन कुरैशी को देखा क्या? उस्मान भी गायब है। ला, वाकी दे, वाकी दे। जी। अल्फा 123 कॉलिंग, कैप्टन राज। ईगल 69, कैप्टन कुरैशी। वेयर आर यू कैप्टन राज? कैप्टन कुरैशी किधर है आप? कैप्टन राज। हेलो कैप्टन कुरैशी। कैप्टन राज, कैप्टन राज, हेलो कैप्टन राज। लगता है साला कोई सीक्रेट मिशन पर निकले हो, छुप छुपा कर आना पड़ता। ओए तुम फिर से गड़बड़ कर रहे हो यार, हार रहे हो तो बेईमानी करोगे क्या? बेईमानी तो हम करते नहीं, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। ये हुई ना बात। उनके तो हार गए, अल्ले तो बहुत चाला बाकी ने जनाब। एक बात बताओ कप्तान साहब, तुम्हारी मोहतरमा का नाम क्या है? तुम्हारी कब से होगी मोहतरमा? दूरबीन से देखो और दूर रहो। देखो कप्तान साहब, असम पाकिस्तान, उन्हें बॉर्डर के इस पार न लाया, मेरा नाम भी कुरैशी। गई मियां गई, लाना तो दूर, देख भी नहीं पाओगे। गई? सर जी वो सामान ले आए खतरी। सोडा है जनाब, सोडा। हिंदुस्तानी इश्तिहार है, सोडा है। अच्छा सर जी, कल 5 रुपए लेते आइए। ले आएंगे, ले आएंगे। ए, तुझे पान की पड़ी है यार, मानो पे पानी फिर गया। पानी फिरने से याद आएगी, जरा मुंह फेर के आता हूँ। जरा क्यों, पूरा मुंह किया हो मियां, टंकी खाली करो और आ अपनी तरफ करना। हाँ भाई, उनकी तरफ मत करना, कहीं उनका देश बह ना जाए। Morning.
May I come in, sir? Come in, come in. आपने मुझे बुलाया सर? अरे हमने नहीं, आपको तो हिंदुस्तान के रक्षक मंत्री ने बुलाया है। अब जल्दी से आप पहुंचे इससे पहले कि दूसरे चैनल आ जाए, क्योंकि हम है स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। वाह, क्या टैगलाइन है, है ना? सर, सोनम, मैं आज का टैगलाइन नोट करिए, हम सब स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। अच्छा सुनो, घुसपैठ के ऊपर गर्मा गर्म रिपोर्ट तैयार करो। असली घुसपैठिया का यही पहचान है कि उसको कोई पहचान न सके। ओए बकरी वाले, ओए कौन है वही? मैं बकरी वाला हूँ साहब जी। नायक धर क्या करता है? मैं बकरी चला रही हूँ साहब जी। ये बकरी बाबू नाम है इसका। ना तेरा बकरी तो बड़ा जानदार मालूम होता, मैदान का सारा घास साफ कर दिया इसने। सही कह रहे हो भाई साहब, पर ये भी बची है नहीं। वैसे आप कौन हो भाई साहब? तो बड़ा शातिर हो, इतनी जल्दी पैसा बोलता है। वैसे हम कौन है ये जानना बड़ा मुश्किल है बकरी भाई। फिर भी अपना नाम तो पूछ सको ना भाई साहब। ओए हम अमिताभ बच्चन है। ओए है कोई बात कर रहे हो भाई साहब? मैं कहा मारी बकरी भी था की बहुत बड़ी बहन है, बाकी सारी फिल्म देखी है मैं। लाल बादशाह, तूफान, इंद्रजीत, शरदजीत, शिलाजीत। ये कौन सी फिल्म है वो? ये तो मैंने भी नहीं देखी। ओ भाई साहब, ये तो किसी ने भी ना देखी। ओए बकवास नहीं कर रहा है बकरी वाले, तुम बोलता बात। ये तेरा बस्ते में क्या है? कुछ नहीं। वल्ला ये तो चॉकलेट है। हाँ भाई साहब, जो आप टीवी में बेचे हो नी, ये वो वाली है। तो कुछ मीठा हो जाए दोस्ती शुरू करने से पहले। ओए दरला ओए, इससे पहले तेरा पेट भर के इसको खा जाए। ये लो तुम खाओ खाओ खाओ, मीठा हो जाए। ओ कुछ दीजिए। ओए बाबू, तुमने खाया चॉकलेट? बेचता है और क्या डाला है वाले? क्या इसमें मादर को पूछो? अरे मेरे को चक्कर आता है, मेरे को भी चक्कर आता है। मेरा आदमी नीचे कैसे गिर गया? मेरा आदमी कैसे गया? ओए और लाना था ओए कुछ पे, मेरा सारा लोग नीचे गिर गया। ए मेरा आसना लेकर फेंसर जाता बकरी वाले, कुछ फटेगा रेत का, तेरे को रेत का स्काफ कटेगा। चक्कर आती है भूत तुम्हारी, फेंसर जाता तो। हेलो, कॉलिंग अल्फा 222, दिस इज ईगल 5 रिपोर्टिंग। हाँ, कैप्टन राणा के लिए एक मैसेज है। उठा के इधर रख। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए आइए आइए, चलो चलो चल। अरे ये कैमरा ऑन तो नहीं है ना? बड़ा डर लगता है इन चीजों से। जस्ट जोकिंग। आइए फिर काम की बात करते हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात है टॉप सीक्रेट। चक्कर ये है, आप तो जानती हैं कि ये घुसपैठ का मामला बड़ा गंभीर है और हमारे पड़ोसी इससे बाज नहीं आ रहे। आइए, खबर ये है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ये जंग का ऐलान होने वाला है और हमारे अमेरिकन खुफिया ने हमें यह बताया है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। अरे लेकिन इसमें डरने की क्या बात है, हमें तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त हमारे साथ बॉर्डर चले और एक ऐसी रिपोर्ट बनाए कि जवानों में हौसला बढ़े और पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ आए।
बस एक ट्विस्ट है, इस रिपोर्ट को आप दो दिन के बाद लाइव अपने चैनल पर दिखाना जब वॉर डिक्लेयर हो चुकी हो। अरे ऐसे माहौल में वहां कौन जाएगा, आप समझ गई ना? जनाब तो ये बताइए कि क्या करना है? ओ पे गई ने थाई और सिंह सन भाव पे ने थाई ने हो ये चाय तो होय होय चाय होय पान ने चाय होय मन होय। बट सर जस्ट लिसन मो चाय या मो टीम गए ने होय चाय तो सन तक ले फाइटी फाइटी। जनाब प्लीज कैन यू रिपीट द डायलॉग इन पंजाबी? Just Punjabi. 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 Guru Twin Twin Twinkle Little Star, China ke mera kaise karoge baar? Guru Guru suno sada plan. Attack. Asi to anu nuclear bomb ke baare mein batana chahte hain ki Guru jo hum India par phodenge, samajh mein aaya? इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है और आप गेम खेल रहे हैं? अरे मियां चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब इनका बताओ क्या करना है? म्यूजियम में सजाना है, ना इसने चलना ना हमने इसे चलवाना है, हमने लड़ना ही नहीं आएगा। What is this? आपकी बातों में बगावत की बू आ रही है। भाई वाह, बू की बात तो आप ना ही करें जनाब, खाली पेट तो गैस ही बननी है, कोई गुलाब के फूल तो खिलने नहीं है। और आप ये ना भूलें ये पाकिस्तान है, यहाँ जनरल वजीरों से इजाजत नहीं लिया करते बगावत के लिए, समझे आप? ये तो बताओ तकलीफ क्या है? तकलीफ तकलीफ है आर्मी का खाना, और तुम्हारे दाल गोश्त पे गोश्त तो छोड़ो, कोई गोता मार के दाल भी निकाल दे तो आधा पाकिस्तान उसके नाम कर दूं, और खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती। आजकल हमारे फौजी इंटेलिजेंस कम गैस ज्यादा पास कर रहे हैं। व्हाट इज दिस जनरल साहब, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा? अरे ये सब कैसे नहीं चलेगा, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। ये क्या तरीका है? अगर यहीं पे लड़ते रहोगे तो बॉर्डर पे तुम्हारा प्यो लड़ेगा, समझाओ इनको। अरे अब से आपकी रोटी और सब्जी भी हम ही प्रोवाइड करेंगे गुरु। खटक ये ऑर्डर लिखवाई, चिकन चिली, चिकन पनीर, चिकन मंचूरियन, चिकन रायता फॉर पाकिस्तान आर्मी। सलाम तो ठीक है, लेकिन तू था कहाँ कुरैशी कप्तान? पानी की बाल्टी के जुगाड़ में क्या था जनाब? अच्छा की औलाद, पानी का जुगाड़ क्यों? दो बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं, रेत से पहुंच के छिल गई है जनाब। अब हमीद को देख लीजिए, रात भर खुद की बदबू से सो नहीं पाता जनाब। जी जी जनाब। चुप जनावर की औलाद, कम से कम हिफाजत तो कर रहा है मुल्क की जाग के। हिफाजत जनाब, आदमी जब हफाजत के लिए कुत्ते पालता है ना तो उन्हें भी ढंग का खाना देता है, हमें कौन पाल रहा है? पल रहे हैं अल्लाह मालिक। तू यहाँ क्या कर? चलो उधर से। क्या कर रहे तुम्हें? हाँ मेरे जवानों, कहते हैं कि तैरना है तो समुन्दर में तैरो, तालाबों में क्या रखा है? और जो इश्क करना है तो मुझसे करो, जनानियों में क्या रखा है? क्या वह नुकता भूल गया? बदन से करो इश्क करना है तो बदन से करो, जनानियों में क्या रखा है? तुम सबको, आई मीन मैं भी, मैं
मतलब टोटली में सबको खुदा ने आज के दिन के लिए पैदा किया है। अब तक 1760 बार पैदा हो चुके हैं जनाब। ओए कुरेशी मियां, एक बार और पैदा हो जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? सारा कुछ नहीं जाएगा जनाब, जो भी जाएगा हमारी माओ का जाएगा। हाँ तो दोस्तों, कल लड़ाने जंग होने वाला है, कांग्रेचुलेशन। अब फिर से यार, फिर क्या कर रहा है तू? फिर से जंग हो जाएगी तो तेरे घर का क्या जाएगा है? तो जवानों ऐलान है। अरे यार मतलब झंड कर दिया तुमने भाई। जनाब वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इसी तरह जंग चलती रही तो हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पर प्रोग्राम आएंगे, Once upon a time there was a Pakistan। हारून बोल। साक्षी कैसे, मैं कहाँ हूँ? कहाँ, मुझे क्या पता? God, it's my dream come true। अरे मैं बॉर्डर पर हूँ जानेमन। जय हिंद। बॉर्डर पर? Oh my God, really? तेरा सेट है यार। अरे मैडम टाइम। ड्रीम तो पूरा हो गया मैडम। ड्रीम मैन मिला कि नहीं? अरे मैं पूछ रही हूँ, बोलना। वो भी ढूंढ लूंगी। कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं, वो साक्षी, आप कॉल यू बैक। हाय कैप्टन राजवीर सिंह राणा। रुत दत्ता, बट यू कैन कॉल मी रुत। हम तो मैडम ही कह लेंगे। वैसे आपके अलावा किसी और को मंत्री जी के दौरे की खबर भी नहीं हुई। वैसे हमारे रक्षक मंत्री मीडिया मैनेजमेंट में पीएचडी है, वही लाया मैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट। इट्स अ प्लेजर टू बी डिसअपॉइंटेड बाय यू। And as the commanding officer, आपकी सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। इस खतरनाक माहौल में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज। मुझे तो नहीं, मंत्री जी को आपकी जरूरत है। Oh yeah, right. I'll see you. These are the two forward posts. Very good. ये हमारे watch towers हैं सर। रंजीत इधर आओ। Sir. Very good, very good. बहुत अच्छा। Oh hello, Captain Raj. जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। Sorry sir, I was patrolling so. कोई बात नहीं। सर वैसे यहाँ इस रेगिस्तान में अचानक आने की कोई खास वजह? कप्तान साहब मैं क्या बताऊं, मुझे देशभक्ति का इतना जज्बा मिलता है यहाँ आकर, लेकिन क्या करूं, दिल्ली के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर देख लूं कि सरहद की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। श्योर सर, आइए सर इस तरफ प्लीज आइए। धन्यवाद। आइए सर। अरे अरे वहां से अच्छा नहीं आएगा, जरा सामने आइए, सामने। हाँ हाँ आइए आइए। अब ये हुई ना बात, ताकि हमारे देश के बहादुर जवानों की तस्वीर सामने से आए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। डरने की? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन की फौज ने गलत कदम उठाया है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैसा कदम सर, अभी उठाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी से डरते नहीं हैं। मैं इस बॉर्डर पर यही दिखाने आया हूँ कि चाहे इस बॉर्डर पर गोलियां चले या यूं ससुरा तो ऐसे डरा रहा है जैसे जंग कल ही शुरू होने वाली है, पर हम डर जाएंगे। सर ये जो बंकर है बहुत आगे तक जाता है। अच्छा अच्छा। अरे अरे ये कौन है? क्या खबर बंदूक? सर वो घुसपैठिए लोकेशन सामंत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैंने रॉकेट खिला दिए, अभी पुट्ठे आसमान की तरफ करके पड़े होंगे। घुसपैठ? पुट्ठा? अरे अरे ये क्या बोल रहा है? सर ये अपना जासूस है, लोकेशन सामंत में घुसपैठ रोकने में एक्सपर्ट है। हाँ लोकेशन सामंत, अरे वो तो मुझे मालूम ही था, मैं तो कप्तान साहब ये क्या था? सर ये तो बॉर्डर है, यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा काफी जानकारी ले चुके हैं हम। अरे चलो भी चलो, और वो रिपोर्ट भी तो फाइल करना हमें। देखिए एक काम कीजिए,
ये कसेट आप हमें दे दीजिए, हम चैनल तक पहुंचवा देंगे। अरे आप तो जानती हैं कि पहुंचवाना कितना महत्वपूर्ण है। क्या रहा कसेट लो। अरे सर मंत्री जी सुनिए दो। दत्ता जी आप नहीं गई, बड़ी देरबाज है आप तो। फर्स्ट टाइम बॉर्डर पर आई हूँ, सब कुछ कवर करके ही जाऊंगी। हमारी फौज में जी बैचलर बड़े सारे हैं, अभी तो आपको कवर की जरूरत पड़ेगी। चलो घुसपैठियों के पुट्ठों को राजस्थानी धूल चटाते। क्या बक रहा है, क्या बक रहा है? मैं भी ये कहता था कि बक रहा है, पर ये अब्दुल खबीस का बच्चा कहता बक रही है। अबे अभी की गोली खा ली है क्या? फौज आ रही है दुश्मन की। दुश्मन हाँ, अब ऐसा जाना। अरे ओ ज्यादा उठ, दुश्मन का फौज आता गोली पड़ेगा उधर से। सिंह साहब ये मिनिस्टर की अचानक से विजिट कैसी? कुछ तो गड़बड़ लगती है। गड़बड़ किस बात की, बिना मतलब भी आ सकता है। जय हिंद सर। जय। तुम्हें क्या लगता है खत्री? रिलैक्स। मिनिस्टर साहब ऐसे ही घूमने आए थे? सर बिना मतलब तो अपनी माँ के पेट से ना निकले, कोई राज तो है। करेक्ट ऑफिसर। अरे आइए आइए भाई साहब, अपना हुलिया ठीक कर लो। मैडम को मिनिस्टर साहब से फुर्सत मिल गई है, लगता है अब हमें शूट करना चाहती है। आओ भाई, मैडम हमें शूट करना चाहती है। अरे आओ सबके सब, सबके सब अपना हुलिया ठीक कर लो, फटाफट लग जाओ लाइन में। तो फाइनली मैडम हम बाकी नौजवानों को भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी। मैडम हमें भी। लेकिन शूट तो मैं इससे भी कर सकती हूँ। तेरी लेडी दबंग। घबराइए मत, निशाना चुकेगा नहीं। वाह, आप तो मजाक भी करती हैं। For your information, I'm a national games shooting champion. Impressed. भाई सुना? हाँ सर। बाबा। Thank you. अच्छा बताइए कैप्टन राज, आपको कैसे पता चलता है कि वो होने वाला है? मतलब कि इन्फॉर्मेशन कब मिलती है? ओ जी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, अगर वो ईंट फेंकते हैं तो दो पत्थर हम भी दे मारते। तो मतलब बॉर्डर पे काफी तनातनी टेंशन का माहौल होता होगा ना? हाँ टेंशन तो होती है, पर माहौल तो बनाने से बनता है। What do you mean? I mean to say, आप तनातनी देखना चाहेंगी? जी? एक लेफ्टिनेंट खत्री। यस सर। मैडम टेंशन देखना चाहती है। नहीं इंतजाम no, no. करो। ओके सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आइए तो टेंशन देख के जाएंगे। नाज मैं तो ऐसे ही बस दो मिनट लगेंगे, टेंशन देखिए। नो देखिए कोई बात नहीं। अरे खत्री जल्दी करो। सलाम कप्तान साहब। आज खाने में क्या मिला? बस यही पूछ पूछ के जान ले लो हमारी, तुम लोग गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बता दो यार, आज दाल गोश्त में कुछ निकला क्या? हाँ दाल गोश्त में विलायती सिजलर निकले हैं, कटोरा लेके आ जाओ। कोई नहीं तेरे भी दिन आएंगे। एवरी पाकिस्तानी सोल्जर इस डे। हाँ तो समझ लो आज ही वो दिन है। मतलब शादी के लिए कोई लड़की मिली गई? कप्तान तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शादी और लड़की को लेके मजाक ना किया करो। अरे मैं तो दाव दे रहा हूँ तुम्हें, पांच पांच बहनों की शादी कराते कराते तुम्हारी उम्र भी पांचों के बराबर हो गई, फिर भी अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहे। बोल लो कप्तान साहब। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़की मिल गई ना शादी के लिए, देख के फट के हाथ में आ जाएंगी आंखें। क्यों डरा रहे हो यार? लड़की ला रहे हो या मिसाइल? पर भाई लाने से पहले अपना लॉन्चर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे लॉन्चरों की तरह फुस ना हो जाए। टेंशन नॉट कप्तान साहब, जिन लॉन्चरों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लॉन्चर विलायती थे। ये जो लॉन्चर है 100% मेड इन पाकिस्तान है। एक बार चल गया ना
तो फूट कर ही मानेगा। खैर छोड़ो, खान साहब क्या क्या हाल है? अरे भाई, ये खाने के वक्त जमाल गोटे का जिक्र कहाँ से कर दिया तुमने? जुकाम हो गया उसको, तो गए डॉक्टर के पास, आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, वरना टिकट भी नसीब ना होंगे खाने में। खैर ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। देखा मैडम, टेंशन। I'm shocked. आप दोनों तो मतलब ऐसा रिलेशन? मैडम, वॉर और जंग अपनी जगह, इस पार या उस पार, है तो दोनों इंसान ही, ये इंसानियत के रिश्ते। तो कैप्टन राज, क्या आपको लगता है कि वॉर होनी चाहिए? नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। ये बेचारे तो खाने के चक्कर में ही मर रहे, और ऊपर से हम गोली और मार दे। मैं तो चाहता हूँ इन बेचारों को एक बार मुर्गे की दावत दूँ, और वैसे भी लड़ाई से किसका फायदा होगा? Profits, huge profits for you. Now here's the deal: we give you the arms and the ammunition, we support you. I told you, don't think about it. That's the condition. Mr. Sean, $5 billion? Sean ji, hey, I gave you 20% off for Thanksgiving. You guys go out there and spend millions and millions and millions and millions on those Commonwealth games, and you can't come up with $5 billion for war? I know why. Maybe you can slice a little bit off your commission, eh? No cutting commission, sir. My commission fully set. Fully set. Please, sir. What do you mean, please? What do you mean, please? There's no option. Hey. Now we're talking. Well, my little chocolate Chiquita. Here's why. You guys can get the guns on EMI. Yeah. And the bank. We will do it, sir. Yes, sir. We will do it, sir. Okay. We give you guys the guns and ammo free of charge. You guys give us an airbase in the Sindh province. अरे खुदा की कसम, इतनी खराब इंग्लिश बोलता है अबे। अबे क्या बोल रहा है? सिंध में एयरबेस मांग रहे हैं। सिंध में एयरबेस? अरे एयरबेस क्या, रेस कोर्स बना दो माल को। अरे सिंध क्या होता है, पूरे पाकिस्तान में क्या पक रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? जनरल साहब, समझने की कोशिश कीजिए, क्या जिंदगी भर दाल गोश्त खाने का इरादा है? नहीं, बात करो। एक्सक्यूज मी जनाब, 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 वी आर वांटिंग लिटिल मोर मनी। व्हाट? यू गॉट बी किडिंग, आई जस्ट गेव यू $2 billion इन एड्स। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एड्स किसी को नहीं है। नॉट एड्स, इडियट, एड, एड। अम्मा वो बोल रहा है, अभी जो दिए थे पैसे उनका क्या हुआ? जनरल साहब, आप तो मुल्क की हालत जानते हैं, बरखुरदार समझाओ इसे। He still needs money, more money. You. All right. Take the money. देखा, मान गया। भिखारी भी तो भूल गया। जाओ ना, मैडम ये देखना चाहती है कि देश के खातिर हम कितनी मेहनत करते हैं, तो दिखा दे क्या? Yes, sir. सब तैयार है? Yes, sir. Good. तो ड्रिल स्टार्ट करो, इतना दम दिखाओ कि दुश्मन के फटने की आवाज यहाँ तक आए। शॉपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? दूरबीन लेके दुश्मन देख रहा है कि जनानियां ताड़ रहा है? जनाब, दुश्मन फौजी ड्रिल कर रहे हैं। कैसा बिल? कैसा बिल भरना बे? ये बहुत खतरनाक है जनाब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फाड़ के रख देगा। ओए खतरनाक का पहाड़ा क्या पड़ रहा है कुरेशी, तुझे तेरी चाची की कसम, बताना क्या खतरनाक? जनाब, तारों के नीचे से गुजरना है जनाब। तू भी एग्जाम ले रहा है, मैं दोपहर में तारे कहाँ से लाऊं? झंडों में से निकाल ले जनाब। हाँ जी, तारे जनाब, तारे, वायर। ये तो बड़ा बारी काम है बेटा मनहूस, ये काम है। क्या काम है बताता हूँ, चल तो सही। जवानो जी जनाब, बहुत बारीक का काम है। इस तार के नीचे से ऐसा क्रॉस करके रेखते हुए उधर को जाना है। जनाब, ये तार कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं है? अरे तू घुस तो सही पहले मनुष्य की औलाद, तू झुक झुक, तू उठ नीचे, घर से नीचे, बदन पे मरने वालों, तुम्हारा कोई नहीं है साथी, ऐसे ही रेखते रहे तो
चादर होती है उतने पैर फैलवाइए जनाब। रुमाल से काम चलाओ यहाँ। बरक बरक पे हमारा ये पैगाम लिख देना। लीजिए जनाब। हमारे पास अगर कलम है तो उनकी कफन पे पाकिस्तान लिख देना। वेरी गुड। ओ यार ये हमेशा मरने और शहादत वाली शेर की सुनाता है। अरे भाई खड़े हो जाओ। कहो कैसी रही? सही भाई। ऐसा कपड़ा पहनने से कोई नहीं पहचानेगा ना। वो कडरिये का बच्चा तो हमें पहचान गया था। ओ याद बदलाओ उसके मादर को पूछो। रासला ले गया साला। मेरा मुमलकात में मेरा कितना बेइज्जत हुआ मालूम? सोच के रोना आता है मुझको। इस बार मिल गया तो फल खींच लूंगा। ले लो मिल गया। ओ बाखरी वाले। ओ कौन है वे तू? कौन है तू? मियां सूरमा भोपाली नाम है हमारा। सूरमा भोपाली कौन है तू? ना तो ये भोपाल है ना तेरी आंखों में सूरमा। और तू है कौन? अब तू बोलेगा तो बकरी चरा रहा था। भाईजान वो भी बकरी चरा रहा था। नहीं भाईजान वो तो बकरा था। मैं तुम तो पीछे खा रहा था। तुमने क्या घंटा देखा? हाँ भाईजान मैंने घंटा देखा उसके गले में। और बकवास नहीं करो। इसका बस तो चेक कर जरा। लाहौर जिला कुवत खान पार्टी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम खुद ही पेशे खिदमत करते हैं। तो ये क्या है? ये सूरमा है, इसको आँखों में लगाते हैं। पठान किसी के सामने नहीं झुकता। तेरे को मालूम नहीं क्या खबीस? जलील आदमी। ओए, और तू पठान को खचर बनने के लिए बोलता? ये खचर नहीं बनेगा, घोड़ा बनेगा। कुछ भी बनना पड़ती है आपकी। मेरा चंदा, मेरा लाल। वाह! इसको लाते तूने क्या लगा दिया आँखों में? मधुर। अरे दूर का तो छोड़, पास का नजर नहीं आता। मदर को पूछो, हराम जादे तूने क्या लगाया? तू बलवा के सूरनाश बना दिया मेरे को। मैडम मेरे अपने कैप्टन राज कमाल है ना। मतलब? मतलब क्या, पर्सनैलिटी है एकदम सॉलिड। व्हाट सॉलिड? इतनी भी खास पर्सनैलिटी नहीं। वैसे मंत्री जी और ड्रिल से ज्यादा ध्यान आप में था उनका। शट अप राज, मतलब शट अप रंजीत। वाह मैडम, रंजीत में भी आपको अब राज नजर आ रहे हैं। हाँ वो भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। व्यू देख लीजिए फुटेज, देखिए। मैंने तो चेक कैसेट चेंज करने को बोला ना। कर चुका मैडम, कब का? तो बड़े सारे तलाश कर गए मैं। पाकिस्तान को नस्त व नाबूद करने की साजिश चल रही है।
मिलती है तुझको वो पहले पहल तूने कहा था। देखो तुझे जा जा मैं जान आती तेरी बात सुन कर ये मैंने कहा था। चलो जाओ छोड़ो ना बातें बनाओ भला मैंने कब ये कहा। साला चाट टॉकिंग वॉकिंग कर रहा है नजरों से इश्क हमारा अब बस हम देखें और पेने चढ़ा रहा है तू पर चल गया कस कर तेरा जादू मुझ पर मैं जादू अक्सर मैं जादू अक्सर पर चल गया कस कर तेरा जादू मुझ पर। रूम बात बेजी क्यों हुई बड़ा क्लोज हो रहा है ना बे अभी दिखाता हूँ तेरी चाट गिरी। और अब तो लड़की ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ओह तो आपको लड़की मिल गई? हाँ मिल तो गई है बस एक बार मैं What was that? अच्छा बेटा कुरेशी ये बात है। चलिए मैडम जवाब देने का टाइम आ गया। चलिए जवाब कैसा जवाब? आइए मैडम चलिए। अरे चलिए मैं जट यमला पगला दीवाना मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करनी है हड़े उठे ओ मरनी है के ओ मैनू प्यार करनी है हड़े उठे ओ मरनी है। ओ कैप्टन कुरैशी तू कब से जाट हो गया? हाँ पगला दीवाना तो तू लागे है और एक बात समझ ले ओ तेनू नहीं मैनू प्यार कर दिए समझा कि नहीं। What are you saying, Raj? नहीं आप घबराइए मत ये तो बस उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने बोल दिया बाकी आपकी श्रद्धा। अरे कप्तान साहब इतने बिलक क्यों रहे हो बहुत इमोशनल क्यों हो रहे हो मैंने तो सिर्फ अंताक्षरी शुरू की है अब हाँ पे आके लगे लाइन हाँ से गाओ। अच्छा बेटा खूब पलटी मारी कोई बात नहीं आ जाओ भाई अंताक्षरी शुरू हो रही है आ जाओ सबके साथ ले तो हाँ से गाना सुन हाँ से सर जी हाँ से अपना वही फेवरेट वाला सुना दो। अबे गाओ गाओ ओ कितना सोना तेनू रब ने बनाया कितना सोना तेनू रब ने बनाया दिल मेरे गाना रब ने बनाया ओ कप्तान फिर तुमने आके यहाँ पे फंसा दिया जनाब मैं गाता हूँ ना हाँ हाँ ये देश शहवीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का देश का देश का क्या कहना ये देश जवानों हंसे गाओ अरे रुकना अरे कुछ तो सोचो यार अबे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल हो सिंदड़ी हो से बड़दार सकी शाबाश सिकंदर इतना प्यार कोई किसी को दे सकता है।
अपने बाप से न मानूं। गाएंगे याद नहीं आ रहा है। क्या देख रहे हो तुम लोग गाओ भाई। अभी तो कह रहे थे जनाब म्यूजिक म्यूजिक होता है, किसी देश किसी मुल्क का नहीं होता। अबे तो मैंने कहा था तो क्या हुआ, तू गा देता ना आई लव माय इंडिया की बजाय आई लव माय पाकिस्तान। काफिया भी कर जाता जनाब। अबे तो काफी क्या औलाद है, काफी में पैदा हुआ ना तू, उनकी तरफ है कि हमारी तरफ है तू। 32 सालों से ना इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ जनाब। ननिहाल उधर हिंदुस्तान में और ददियाल इधर पाकिस्तान में, और मैं नो मैन्स लैंड पे लटक रहा हूँ। आप ही बताओ किस तरफ हूँ मैं। आज तो बुलवा ही दिया, आई लव माई इंडिया। लेकिन मजा आ गया था सर, सही माहौल बन गया था। एक बात बताइए कैप्टन राज, क्या आप चाहते हैं कि वॉर कभी हो? अरे मैडम, आपने वॉर की रट क्यों लगाई हुई है? और वैसे भी हमारे जाने ना जाने से क्या होता है? अगर चाहत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, बस एक काम नहीं कर सकते। वो क्या है? आपको रोक नहीं सकते। वैसे राज, आज अंताक्षरी देखकर ऐसा लगा कि आप लोग तो यहाँ टेंशन भी एंजॉय करना जानते हैं। या, राइट। वैसे अब चलना चाहिए शायद। राज, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? सर, थैंक यू। पता है मंत्री जी क्यों आए आज? खबर यह है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जंग का ऐलान होने वाला है। परसों चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। लेकिन आज सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए। यू शुड स्टॉप दिस वॉर। स्टॉप दिस वॉर? मैडम अभी शुरू कहाँ हुई है वॉर, आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आइए। बात सिर्फ टेंशन लेने की नहीं है राज, बात उन दो देशों की है जो कभी कभी एक हुआ करते थे। दूसरों के मोटिव कामयाब करने के लिए हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। आपको ये वॉर रोकनी चाहिए। रुथ, मैं कैप्टन हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं। हाँ मेरे हाथ में होता तो जरूर रोक देता, और वैसे भी हमारा काम है अपने ऑर्डर्स को हर हालत में पूरा करना एट ऑल कॉस्ट, और मैं और मेरे जवान अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वॉर शुरू हो गई हो। आप आराम से जाइए, कुछ नहीं होगा, और परसों तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर रिपोर्ट, एंड डोंट वरी, जिंदा रहा तो आपसे खुद आके मिल लूंगा। जगमग जगमग धरती अपनी न्यारी न्यारी शान, जगमग जगमग धरती
से सिर ऊंचा हो जावे, सीना तन तन जावे, जगमा अपनो मान बढ़ावे, हम इस पे कुर्बान। रुत बोल कर गई है कि परसों वार डिक्लेयर होने वाली है, क्या लगता है चेक कर ले, सामान ले लेना। सोने जैसे खेत इसके। यू टर्न लो मैडम, जंग का माहौल है, फंस जाएंगे। ऐसा हो तो पूरा देश है, अब तो निकालने का वक्त है। सुरेश यू टर्न। वापस आ गए? कैप्टन राज किधर मिलेंगे? ओ गुरु, इंडिया को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हम तुम्हारे जरिए उन पर अटैक करवाना चाहते हैं। पर टेंशन मत लो, हमने प्लान चेंज कर दिया है, अब न्यूक्लियर बम कल सुबह तक पहुंच जाएगा गुरु। फटाक ठोको ताली। अरे जनरल साहब, अरे जनरल साहब, मियां जनरल साहब, खत्म नहीं करो, बाहर आओ। चीनी पागल हो गया, अब कोई काम तो आराम से करने दो, अभी नहीं निकल रहा मैं। मतलब आज ही? हाँ गुरु, खटक। गुरु जाने वो कैसे लोग। अरे वो बोल रहा है आज ही अटैक करना है हमें। ओए अब क्या पखाने से ऐलान जंग कर दूं? अभी नहीं आ सकता मैं। तो लाहौल वाला हुआ था। अब कोशिश तो कर रहा हूँ यार। अरे इनका क्या मालूम, बॉम्ब अभी फोड़ दे। व्हाट इज दिस? समझिए, कर दिया ऐलान जंग। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की खबरें आने लगी है। What is that? Hey, but Pakistani minister, he just visited our place, na? For that Aman and Shanti thing. Hey, Nikki, you're chatting in Pakistan zone, right? Yep. Acha, ask him. The news is showing that the war is about to start. Yep. एक दफे फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तालुकात पे स्याही के बादल छा गए। यार वो इंडिया वाली बंदी है ना, उसका मैसेज आया। They are saying that war is about to start. और टेलर इतने भी यही हाल है। The same shit is there, buddies. Guys, तुम्हारी क्या thinking है? ये कोई war का time है? War is all बेकार। या, तू war छोड़ना यार। मियां, contact हुआ क्या border से? हॉले हॉले, roller ना पाओ, कर रहे हैं try। अरे भाई, जल्दी कीजिए। अब तक तो बंदा साइकिल पर मैसेज देकर आ जाता। तो आप गलती सुधार लो, आप भेज दो साइकिल पे। शुरू करूं अपना वीडियो? अरे नहीं 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 जनरल साहब, आप अरे देख मेरा मलेरिया से मर रहा हूँ, फोन उठा ले बेटा। अब मुझे तो नहीं चला गया ढक्कन, तबे फोन मैं सोया हूँ, खड़ा चल दे। हेलो स्पीक टू मी। हाँ हाँ स्पीकिंग, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ। हाँ ओके ओके, ओ तेरी ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी सुनाइए जनरल। बम आज ही फोड़ना है। हाँ जी, कौन सा? अरे कौन सा, 150 बम है क्या तुम्हारे पास? एक ही बम है, एक ही कंट्री है, आज ही काम करना है। हाँ जी आज ही? हाँ आज। मतलब अभी? अभी। हेलो, आप वही बोल रहे हो ना? मैं जनरल बोल रहा हूँ। एक मिनट, आप इनसे पूछ लो कौन बोल रहा है। अबे जनरल बोल रहा है, सुन लिया बे? अरे नहीं, रॉन्ग नंबर टेस्ट कर रहे थे, कभी कभी रॉन्ग नंबर आ जाते, बम फोड़ लूं। अटैक आज ही होना है, ओके? अभी अभी, ओवर एंड आउट। यस जल्दी, थैंक यू। कमाल कर दिया आपने। ईद मुबारक आपको भी। हाँ भाई जल्दी आओ, चलो आ जाओ भाई, तारीखें लिखनी है। क्यों जनाब? सुन मेरी बात सुन, बम फोड़ना है। कुरैशी और बाकी के सब कहाँ जवान? सब सब टेंट में सो रहे होंगे जनाब। सो रहे कैसे आदमी है यार, अभी भी सो रहे हैं। क्या कमाल, मैंने बुलाया, बम फोड़ना है। हमें अपने विश्वास सूत्रों से पता चला है कि बॉर्डर पर काफी टेंशन का माहौल पैदा हो रहा है। ओए बेगम डालो बेगम। एक मिनट, एक मिनट, वो कैप्टन राज,
अल्फा 123 कॉलिंग, वेयर आर यू कैप्टन राज? लगता है बंकर की तरफ होंगे। चलिए रिपोर्टिंग के नाम। कैप्टन कुरेशी को देखा क्या? उन्हें बॉर्डर इस बार न लाया ना। मेरा नाम है कुरेशी। गई मिया गई। और आने का बोले आज जाने की जिद ना करो। क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। कब पता चलेगा? बम फूटने के जवानों को दो बार उठा चुका हूँ पर कोई उठने को तैयार नहीं है। अरे लात मारो पिछवाड़ों पे। मैं तो कह रहा हूँ बम लगा लो, बम के धमाके से उठ जाएंगे। अभी जरा मुंह फेर के आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कैप्टन कुरेशी, तुम्हारे साइड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तुम्हारी तरफ कोई है? हाँ है तो। सुना है परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है। ओ तेरी, यहाँ तो हम तुमसे आगे निकल गए बरखुरदार। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल होने वाली है। ये बम पे चड्डी सवार या चड्डी तो उठा ले जनाब। आग लगा दी। लो भाई खत्री ये सही है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है, इनके यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल वॉर डिक्लेयर होने वाली है। अब देखना ये है कि किसकी इंफॉर्मेशन सही निकलती है। Where are you, darling? Ranjit!
लगाने की सोच ली है। 65 साल से लड़ी तो रहे यार। जंग का आगाज हो चुका है और अफगानिस्तान जिंदाबाद। भाईजान, पाकिस्तान इधर है, हिंदुस्तान उधर है। ओहो, गलती हो गई, ठहरो। इधर पाकिस्तान है, उधर हिंदुस्तान है भाईजान। इधर है तो इधर छोड़ेगा फिर। हाँ भाईजान, हाँ पाकिस्तान इधर है, हिंदुस्तान उधर है। ओए बकवास नहीं करो। तुम पहले तुमने हमको बाखरा बाखरी में कंफ्यूज किया, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में फंसाता है। तुम्हारा मादर को पूछूं कहीं है हिंदुस्तान? खबीज का बच्चा, बेवकूफ। हम तुमको बताता है, देखो इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ दोहा है, जिधर तुम्हारा मामूर है उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ उज़्बेकिस्तान, जिधर तुम्हारा खाला रहता उसके आगे कजाकिस्तान, उसके नीचे रूसिया, रूसिया के नीचे चाइना, उसके नीचे बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे श्रीलंका और उसके ऊपर मेरे खबर दोस्त हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इधर है जी भाईजान। बच्चा बन रहे ना, देखो। ओए हम तुमको आजमाता था, हिंदुस्तान इधर नहीं है, ओए इधर है। ये लो आया मेरा मिसाइल। अरे कप्तान राज, मैं हूँ कमांडर खान। यार ये तो किसी ने अपनी साइड फोड़ दिया जनाब। मुझे तो ऐसा लगता है जनाब
के बिना गोश्त की दाल खा खा के किसी के दिमागी तवाज़ुन को जुलाब रख गए। बगावत उतराया जनाब अपनी तरफ बम फोड़ दिया। अपनी तरफ क्यों नहीं फोड़ रहे? पहले सामने वाले से दबा कर लेना, अगर उन्होंने बम फोड़ दिया तो हम तो अपना गोश्त उतर लेंगे। ठीक है। अरे कप्तान राज, अबे पहले खांस ले और आराम से खांस ले, और खांसे खांसे अपनी अंतरियां बाहर मत निकाल देना। अगर बोलने से तेरे दिल की तमन्ना पूरी होती है तो बोल लिया कर, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू ही बात कर ले, मेरा नाम अखिलेश बोल ले। और तुझे कहा है ना कब सिरप पी के आया कर। बोल पी ले, पी ले बोल। पी के आए हैं? ओहो कुरैशी, ओ कुरैशी देसी ठर्रे की नहीं सिरप की बात कर रहा हूँ। अबे पादरी यार कुछ भी बोल ले। या तो तेरा खान इतना बूढ़ा हो गया कि सिरप भी असर नहीं कर रहा। हे बूढ़ा हुआ तेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। और सुन ले, मैं जयपुर में जो है ब्रेकफास्ट करूँगा, जयपुर में लंच, और दिल्ली में जाकर डिनर करूँगा, और पटना में आइसक्रीम खाऊंगा। बोल ले जनाब। पटना नहीं जाना चाहिए जनाब, मैंने सुना है पटना वाले ऐसे होते हैं, वो लोग जहाँ जाते हैं उसे पटना बना देते हैं जनाब। पटना कैंसिल कर दिया यार, मेरा नाम मत क्यों बोल दिया। हाँ भाई, वो पटना का प्रोग्राम आइसक्रीम का कैंसिल, दिल्ली की बात ठीक है, वैसे भी यहाँ का खाना खा खा के हमारा पेट खराब हो चुका है। तुमको क्यों बता रहा है? अरे तुम तो बस मेनू बताओ, मेनू मेनू। अबे सानिया की बारात में आया क्या? मेनू छोड़, ये गोली खा। ओए बादरीज, अब तक तो तू खांसी की गोली की बात कर रहा था, ये गोली कहाँ से आ गई? ये मत सोचना कि निशाना चूक गया, वैसे भी हम बीमार हो पर वार नहीं करते, इसलिए खान के कान के पास से गोली मार दी। अब भी मान जा, अगली बार निशाना चूकेगा नहीं। इनका सही है, एक एक सेकंड में दर्जनों फायर कर रहे हैं, और ये है और एक हमें ये सब इनको गोलियां भी इनके मिलती है। यहाँ से मौका मिल नहीं रहा जनाब, एक काम करते हैं दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही जनाब, ये इतने फायर कर कैसे रहे? हाँ हम लीजिए और पूरे देश को दिखाइएगा, एक एक हिंदुस्तानी सोल्जर उनके दस दस के बराबर है। अरे गोलियां चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं? लग रहे बुढ़े हाथ में लेके कह रहे हैं देश जीतो। तो भाई हम क्या करें? मैं क्या सी मेड इन चाइना हथियार में ले डूबेंगे। अब चलवाइए अपने वोटों से। मैं तो चला लूंगा, लेकिन मेरे को क्या ना कोई दिखने वाला मिले। भुट्टो ये बम है, इस तरह छोड़ ना, करा जल्दी डाल। अभी इसको ना इसमें डालो, उसका रुख उस तरह करो, अब छोड़ दो। फायरिंग बराबर चालू रखना, देख रहा है एक भी आगे बढ़ना है। सर हम तो बराबर फायरिंग कर रहे हैं, यही अपने बिलों में दिपक कर बैठे हैं। अच्छा ये बात है, आइए मैडम आप लोग अपने एक्समैन से मिलाते हैं। एक्समैन? यस सर। ये पाकिस्तानी बंकरों में छिपे हैं, इन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? सर चिकन मंगाइए। ठीक है, अरे खा चुका ना तू? अरे सर ये देखिए ट्रैकर जी, पाकिस्तानी फौजी अपने बंकरों से ऐसे निकल निकल के आएंगे ना, और टारगेट लेके ऐसा उड़ाएंगे ना, आप देखिए तो। अच्छा सुल्तान जी। यस सर। चिकन ले आओ मगर जिंदा। ओके आप देखिए ट्रैकर का कमाल। Oh!
आते जाइए सर, कैसे निकल कर आएंगे अपने बंकरों से सारे के सारे बोली। बड़े जमाने बाद एक नसीब हुए हैं लग रखी। मैं आज तुम्हें जाता हूँ यार। ये देखिए, ये निकला एक पाकिस्तानी। ये रेड अपनी मुर्गियाँ और ग्रीन पाकिस्तानी सोल्जर। आने तो लगे। अल्लाह तुमने हमारी आज सुनी ली। सर काफी सारे आ गए चला जाए। नहीं तू अभी हो। हमने बलीमे में खाई थी। और भिखारियों के नाश्रो छटोंगो और बंदरों को पुलिस लो। हिंदुस्तान की मुर्गियाँ हैं, दुश्मन की चाल है कोई। पाकिस्तानी मुर्गियाँ हैं, देखना तावीज़ से बैठी है बेटा घर में। अकल के मोतिया बिंद है सब ये तावीज नहीं खड़े में ट्रांसमिट आएंगे। मर जाएगा मत जाओ। सर जाने लगे चल चलवाई ना सर। नहीं अरे सर देखिए ना निकल जाएंगे सब। सर अब चला दो। यार सबको मिलेगा अपनी जंग के बाद। तू यही मैं आ रहा हूँ। जंग तो हम जीतेंगे ही, बॉर्डर पर जो हमारे फौजी हैं, वो भी हमारी आवाम का एक हिस्सा है। फतेह हमारे नसीब होगी। हमारी दिस मिनिस्टर इज पावरफुल। इम्पॉसिबल, ये उम्र तो वायरा खाने की, इसके बिना पावर और तेरी पे वो ऑल आई एम सेइंग इज उठे बॉर्डर पे इतनी टेंशन है। ए कल्लई उठे चला गया। ओए हुन कुछ अपनी हिंदुस्तान वाली बंदी तो गाइस तौफीक सिंह के लोगों का मिनिस्टर टेंशन बीच में बॉर्डर विजिट करके आया है। यार यहाँ पे भी यही हो रहा है। गया होगा अभी दिखा रहे। सही कह रहा है। बिना मतलब अपने घर से ना निकले है बॉर्डर पे जाएंगे। सब बकवास, कुछ तो ड्रामा है। मैं यहाँ बॉर्डर पर तब तक रहूँगा जब तक हमारे फौजी भाई कहे। शुक्रिया और खुदा हाफिज़। कट। What a shot, sir. क्या एक्टिंग की थी जनाब। सब ठीक था ना सर? आवाम को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ स्टूडियो का शूट है। फुटेजेस देखिए, एकदम ऐसा आ रहा है जैसे लाइव। देखा हमारे जावा सोल्जर का टैलेंट कैसे चिकन के पीछे टूट पड़े थे। पर सर ये तो फिर भीतर दो लिए। फिर देखो कैसे निकालते हैं अपने अपने बिल से। भाई मेरी आवाज देने से पहले सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, ठीक है? यस सर। सोएब अली रिपोर्टिंग। हाजिर हो के आया। अम्मी इधर उधर भाग रहा था। अबे अम्मू तू क्यों अल्लाह मियां ने बचाया। शाहरुख खान रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग सर। फायर। हाजिर जी। अबे तू क्यों खड़ा हुआ? सर आपने तो कमांड दिया था। अरे मैंने तो उधर के शाहरुख खान को आवाज दी थी। सर शाहरुख तो दोनों तरफ अमर है ना सर, स्पेशली डर और बाजी करके बात से। पोजीशन लो चलो। ओके तुम जैसे फौजियों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी अलग से जीत रहे हो। दोनों सर भाई मैं आ गया, मैं आ गया। या अल्लाह मुझे ताकत दे। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। अच्छा बेटा हमारा गणित हम पर ही आजमा रहे। जनाब क्या कर रहे हैं जनाब? दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक पैदा हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसे यहाँ कहाँ बुला रहे हैं जनाब? यार गलती हो गई यार। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। विश्वमूर्ति की औलाद उखाड़ा नहीं खेलना। साहब सचिन तेंदुलकर साहब को देखने के लिए खड़ा हो गया। तुम सब लोगों का प्रॉब्लम यही है जब देखो खड़ा हो गया जनाब कोई नहीं उठेगा। क्या नाम उसका पढ़ना? राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह राणा रिपोर्टिंग। राजवीर सिंह राणा।
अभी दिखाता हूँ। जब चाट पड़े तब भारी पड़े। जवाब दे ना। आए अभी राजवीर सिंह को मारो। जरा खड़े होकर सूरत तो दिखा। धमकी दे रहा। अबे मैं बोल रहा हूँ सभी। मुझ पे गोली चली क्या? आप ही ने तो दिया था दावत नामा जनाब। पक्का? इस सपीक तू भी बैठ गया जनाब इससे पहले दूसरी सजा। डर क्यों रहा है? पड़ोसी मुल्क इंटेलिजेंट है जनाब, समझे ना? आपके तोती उड़ते उड़ते रहे। वाह बेटा, तोते बकरी तू उड़ाया अबे, है ना? बोल कैसे रहा है? बच्चे की तरह पाला है तुझे, बच्चे की तरह। दूर मैंने भी तो आपको बाप की तरह पाला ना, एहसान फरामोश की हद होती है। वैसे मैं सत्येंद्र पाल सिंह गसोना, और आप जी? मुझको तो मर्दूत का दिमाग कमजोर मालूम होता है। शैला जीत पला हमको पूछता है हम कौन है। ओ छोटो पाजीन बातों, एक गल सुनो। सामने खबर मिली है कि एक गडरिया हमारे जाबाज बेहतरीन घुसपैठियों नु घुसपैठ करने से रोक देता है, बस उन्हें वास्ते इंतजाम करिया सी में। सही बोल रहा है भाई जानिए। और तुम्हारे पास चॉकलेट है? ओ नहीं जी। सुरमा है? ओ नहीं जी। तुम कुछ खिलाने से पहले बोलता कुछ मीठा हो जाए। ओ जी हम तो कड़वे से शुरुआत करते हैं जी। ये खुफिया बकरी खालिश रावलपिंडी की है भाई जान। अब तुम्हें मत बोलना कि ये बकरा है। ओ बताओ क्या इंतजाम है? हाँ जी, तुम्हारे वास्ते नक्शा जी रास्ते था सीधा जोधपुर निकलेगा। साडे हुक्मरानों ने आपके वास्ते भेजा जी। माशाल्लाह। और चलो ओए बर्दू तो जल्द दिखा रहो, और तुम हमको अपना पूरा फौज के साथ जोधपुर में मिलना, समझ गए जवान? खुदा हाफिज। गलती हो गया, इसको क्या पता, फुदू है। अल्लाह हाफिज। मैं तो कहता हूँ चुपचाप ही बैठे रहते हैं, उनको जितनी फायरिंग करनी है करने दीजिए, हम जितना थूकते जा रहे हैं मुड़कर हमारे चेहरे पे वापस आ रहा है। मैं तो थूकूंगा। अरे जिसका कोई नहीं उसका चाइना है। फुकॉल फुकॉल 69? हाँ। नहीं जनाब, फुकॉल 69 हम कैसे चलाएंगे जनाब? वो तो दो दिन बाद जब जंग होने वाली थी उसका वो मेड इन चाइना इंजन डालने वाला था हमें सिखाने के लिए, कैसे चलाए हम कैसे चलाएंगे उसको? तो कौन चलाएगा? तू कदर है तू? भुट्टो? भुट्टो क्यों? उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है, तू चलाएगा बस। हाँ भाई उठाओ उठाओ, आकल पे तो पर्दे पड़े हैं, इस पर्दे को उठाओ। कोई बात नहीं, इस खान साहब को कफन उड़ाना है। अबे कफन चोर की औलाद, हमेशा कफन पहनाने के चक्कर में रहता है। कोई दबा उठाओ। उठा उठाए। सुभान अल्लाह। आओ भाई उठाओ। उठा इसको। माशाल्लाह। जनाब ये चीनियों को पैकिंग का बहुत शौक है। निकली आ रही है तो बिल्किस के लौंडा खिलौना है। खुदा पहाड़ निकला तो आज जनाब फुकॉल 69 की साथ में बुकलेट भी है, नजर डालियो। हीट सैम सिंह, ये फौजियों की गर्मी और वो जो हथियार होते हैं ना उनकी गर्मी को लेकर सेंस करता है और निशाना लगाता है जनाब। एक ही है लगता है, रिमोट कंट्रोल है जनाब। चाइना गेट, गुड जॉब मैन। दबा के देखो जरा, एक काम में देरी क्या होगा? वाह जनाब वाह, मैं कह रहा सी नी बखीम खतरे जा और चलवाइए मेड इन चाइना। गुड पर्सन गुड पर्सन। मैंने कहा था शेर को पिंजरे से मात निकाली, आप निकाल ही दिया है तो आप शिकार बनिए। खुद एक बार तो इंग्लिश में बात कर लिए, खुद मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे खेलना ही नहीं गेम। सुरेश जी को बोल नहीं चल रहा जनाब, रिमोट कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे तू कहां जा रहा, तू कहां जा रहा? तू जनाब हमको तो समझ में आया कि ये फौजियों की गर्मी को सेंस करता है, पर इस फुकॉल को कौन समझाएगा कि हिंदुस्तानी फौजी या पाकिस्तानी फौजी? पाकिस्तानी का कमाल आप क्या करेगा? लगता है दुश्मन फौज ने फिर से कोई नया हथियार खरीदा है। प्योर मेड इन चाइना बम आप तक पहुंच गया है बादशाह, अब फोड़ दो जल्दी से गुरु। जब जंग हो चुकी है शुरू तो फिर किस बात का इंतजार, इससे पहले के इंडियन आर्मी हो जाए तैयार तो हो जाने दो न्यू।
तो फिर एक काम करता हूँ, यही फोड़ देता हूँ। अरे नहीं मियां, तो फिर उन्हें समझाओ की बोल रहे। अरे जनाब देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉर्डर पहुँचाने। बहुत हल्के में लेते हैं आप हमें, लेकिन एक बात बता दें, इतने हल्के भी नहीं हम। आए आए, अपनी आंखों से देखें हमारे इंतजाम। ले भाई, अशरफ मूवर्स एंड पैकर्स। जनरल साहब, ये नाम कुछ आना पहचाना लग रहा है। What is this? इन्हें भूल गए आप? What is? अरे चलो चलो। पता है, सुबह से लेकर अब तक के एपिसोड में सब कुछ देख लिया है मैंने। दोस्ती, प्यार, मजाक, बस एक चीज में प्रॉब्लम है। कौन सी मैडम? इन्फॉर्मेशन। हमें इस एपिसोड को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नाकाम कोशिश मैडम। नाकाम क्यों? कोशिश की है अब तक? नहीं। तो फिर नाकाम कैसे? हमें ये वॉर आज ही रुकवानी होगी। सुबह तक दोनों देशों की आर्मीज आ जाएंगी, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओए सुनो, जीतने के लिए माइंस को डिफ्यूज करना जरूरी है। मैं बॉर्डर पार करने जा रहा हूँ, तुम सब पीछे से कवर फायर देना। कर लो इसे। अरे क्यों भी खतरी? माइसल साहिल खतरी। तू बता, तू कौन सा खतरी है? कबीर खतरी। कबीर खतरी कहाँ का है तू? सिंध का। सिंध का तो मेरा परदादा भी था। अब आओगे मजा लड़ने में। अच्छा सिंध में कहाँ का? पठानगली। पठानगली का तो मेरा पड़दादा भी था। अब तो आवेगा मजा लड़ने में। अच्छा पठानगली में कहाँ? 8/10 खतरू वाला मिला। अब तो और भी मजा आवेगा लड़ने में। ओए खतरू वाला मिला, अब तो यूं मत कह दियो कि तेरे पड़दादा की भी परचून की दुकान थी। हाँ थी तो। अब ना आवेगा मजा लड़ने में। ये तो भाई निकले, मजा आवे चाहे ना आवे, प्रदेश से बढ़ के ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई गर्लफ्रेंड, देश से बढ़ के कोई ना हुए। खत्री सर, पंकज नंबर 12 में जाके पोजीशन लो। मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ूंगा सर। खत्री इट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर। खत्री इट्स इनक्रेडिबल राज, दो भाई जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े, और जो पहले मारेगा वो मेडल ले जाएगा। Now that's what I call a story. हाँ रणजीत, मजा आ गया। एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और आपको मजा आ गया? ये कोई हमारे घर के पड़ोसियों की आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, जो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मजे लूटे ताली बजाए, मजा आ रहा है? तो फिर रोक दीजिए ना, बंद कर दीजिए लड़ाई। मैडम आप रिपोर्टर है, आपका काम है बोलना, पर जंग बोलने से बंद नहीं होती। तो फिर या तो हम उन्हें खत्म कर देते हैं या वो हमें खत्म कर दे, फिर तो बंद हो जाएगी ना ये जंग। तो आप तो बातों का एटम बॉम्ब मेरे कानों में ऐसे फोड़ रही है जैसे मैंने डिक्लेयर किया हुआ। ऊपर से ऑर्डर है मैडम। ऊपर से? और अगर उन ऊपर वालों को उनसे भी ऊपर वाले से ऑर्डर मिल गया तो फिर? सेकंड नहीं लगाएंगे वॉर रोकने में। तो फिर समझिए ये भी हो सकता है, बस इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हम तो पूरी लाइफ आपका साथ देने को तैयार हैं। बस मुझे बॉर्डर के उस पार भिजवा दीजिए। क्या बॉर्डर के उस पार? इतना आसान नहीं है ये।
पर इतना मुश्किल भी नहीं। जरा कुरेशी से कांटेक्ट करो। जी। में शेर और एक पल में पता नहीं क्या भाई गॉड। आपको पार पहुंचाने के लिए फायरिंग रुकवाना जरूरी है और उसके लिए ये जरूरी है। So. कैप्टन राज यार। जनाब आप जॉब क्यों नहीं कर रहे? कुरेशी, ओए कुरेशी किधर हो? दोस्ती जंग अपनी जगह। अरे कुरेशी, लेकिन जब बात तमीज़ पे बात उतर आए तो कतई बर्दाश्त नहीं। अरे ऑफिसर कुरेशी, अरे भाई कैप्टन कुरेशी, अपनी इज्जत अपने हाथ में। बोलिए कप्तान साहब। भाई तुम्हारी खाई हुई कसम पूरी हो गई है। अमन और शांति की रिपोर्टिंग के लिए मोहतरमा बॉर्डर के उस पार आना चाहती है। यार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मेरे लिए वापस आ गई यार। ठीक मतलब अच्छा अच्छी बात है। अमन और शांति तो हम भी चाहते हैं। और सुनो, साथ में आपके फौजी कबीर खत्री को भी भेज रहे। बस कमांडर खान को संभालना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, रिपोर्टर मोहतरमा को लोकेशन शर्लिन पर ले आइए। ठीक है। तो क्या नाम बताया आपने मोहतरमा? मैडम रुद्रदत्ता। हाय हाय मैडम रुद। ठीक है, आप जल्दी उन्हें ले आइए। हाँ ठीक है, बस हम निकल रहे। बस ये कुरेशी को संभालना पड़ेगा, आजकल लड़की ढूंढ रहा है अपने लिए। तो पाप आ रही है, छोटे पाई दा फर्ज निभाई। जी। टेबल कुर्सी ला ली और चाय नाश्ते दा मकूल साथ में, समझ गए? आप लोग यहीं पे ठहरना, आप ही यहीं पे ठहरना रंजीत। जी सर। रुत मैडम और मैं होके आते हैं। यस सर। आइए। जनाब थोड़ी देर के लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा। गोलियां चल का रही हैं। जनाब जितनी भी चल रही है थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। घुस खाए ना तो घुस खाए ना जनाब, जब देखो मजाक करते रहते हो, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं करता जनाब। क्या मतलब? मतलब हमारा कबीर खत्री हिंदुस्तान की सड़क पे फंस गया था। उसे कहा कि वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा जनाब। आप एक काम कीजिए, आप लोकेशन सावन पर जाइए और उसे रिसीव कर लीजिए। चलना चलिए। सीनियर कौन है? बात सीनियरिटी की नहीं है जनाब। स्पीक टू मी। उसे सिर्फ आपकी बहादुरी पर भरोसा है जनाब। झूठे जनाब, झूठ बोलो तो आपके कीड़े पड़ जाए जनाब। चल। चमनो फायरिंग रोक दो। हुल्लर मचा है, देखो देखो यहाँ, देखेगा इसको आज सारा जहाँ। आज जाते गए सारे वीर ये कहाँ, लगता गए बॉर्डर के काटेंगे तातर। छोड़ना यार वार, आल बेकार वार, क्यों है तैयार वार, समझो ना यार वार, छोड़ ना यार वार, आल बेकार वार, क्यों है तैयार वार, समझो ना यार। दिल से सभी ने पुकारा, हम करे ये मन माली। जंग पल में है, पल भर में है मेल, समझा है क्यों इसका बच्चों का खेल। युद्ध से बन जाए हर एक की रेल, इसी दो बार दीगा दो बार ही मार मार। छोड़ ना यार वार, आल बेकार वार, क्यों है तैयार वार, समझो ना यार वार, छोड़ ना यार वार, आल
बात करनी थी आपके साथ, एक एक बात। जी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? इज्जत रख ली आपने हमारी फौजों के सामने, वो जज्बात में आके कसम खा ली थी आपको बॉर्डर के इस पार लेके आएंगे, वो आज आपकी वजह से वो कसम भी पूरी हो गई। वैसे शुक्रिया तो मुझे आपका भी करना है, कहा था ना आपने मोहतरमा लाज रखेंगे। हाँ। और लाज रख ली आपने हमारी, चले अब। शुक्रिया मोहतरमा। अल्लाह। कैप्टन कुरैशी मिलते हैं। जी जी आइए। कप्तान साहब तोड़े नाज भी एक ओ जी कप्तान साहब, मैं ये कह रहा सी के बात रहा कॉम्प्लिकेटेड है कि मोहतरमा से कुछ बातचीत हुई, उनके साथ काफी बातचीत हुई और खुलासा ये निकला कि मोहतरमा वो मैनू नहीं तेनु प्यार कर दी है। यहाँ गले लगने से ये मत सोचना कि अगली बार आके गाने पे फंसाऊंगा नहीं, समझे? तैयार है ना? जनाब हम तो पैदा ही तैयार हुए थे। अल्लाह हाफिज। फौजी भाइयों से कहना चाहता हूँ जी, लड़ाई हमने शुरू की थी और गलती हमारी है, और जी अपने छोटे भाई नू माफ कर दो। हमारा धर्म भी हिंदुस्तानी है, वो गोली नहीं चलाएंगे तो हम भी नहीं चलाएंगे। सर ये वीडियो नौटंकी तो नहीं, कहीं मैं छुप के कुछ और ही करने की प्लानिंग बैठा रहे हो? नहीं, उनके आंसुओं में सच्चाई थी। मैंने खुद उन्हें देखा है, सुना है उनको। साथियों देखो, बात तो सही है, हर बार भरोसा किया, एक बार और कर लेते हैं। ठीक है सर, वैसे वहां से फायरिंग भी बंद हो गई है। सर सर, धोखा दिया गया है, पीछे के रास्ते से कुछ हलचल हो रही है, लगता है पाकिस्तान आर्मी पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रही है। जल्दी से सब अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, चलो। आप है, आपके बारे में बताया था हमारे गडरे, नक्शा तो करेक्ट था ना? वैसे कहां से आ रहे हो भाईजान? मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? ये जोधपुर तो बखरी वाला चॉकलेट घुसपैठ वो बखरी बकरी नहीं, एमटीवी बकरा बनाया बेटा तुम्हें। अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए, चलो अब तीनों मिलके मुर्गा बन जाओ, चलो। अबे कब समझोगे तुम लोग? हाँ, कभी पड़ोसियों के यहाँ घुसते हो, कभी हमारे यहाँ, और इसी घुसपैठ के चक्कर में अपने देश में हुई घुसपैठ रोक नहीं पाए। ओ जनाब हम मजबूर है। अरे यार हमने बंदूक इस्लाम के लिए नहीं उठाया, ओए शुरू हो गया ये, अपने बीवी बच्चा के लिए उठाया। कोई भी घुसपैठिया अपना माँ का पेट से घुसपैठिया नहीं पैदा होता, उसको घुसपैठिया बनाता ये दुनिया। अरे इसको कोई डायरेक्टर स्पॉट करे, उससे पहले लेके जाओ उसको यहाँ से। सच्चा घुसपैठिया का यही पहचान है कि उसको कोई ना पहचान सके, लेकिन तुम हमको पहचाना, तुम सच्चा घुसपैठिया है ही नहीं। हमारा मुंह सच ठीक है। हाँ यार, यहाँ दो दिलों का मिलन हो रहा है और ये साले हमारी दीवार कूद रहे। सच कहता हूँ, ये वॉर रोकने का ऑर्डर आ जाए ना तो मैं आज ही अपने भाइयों को दावत दे दूं, बेचारे दाल गोश्त पी पी के आधे भागल हो गए, लेकिन कैसे पड़ेगी इस जंग में भंग? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बहुत देख ली इस देश ने फर्जी ब्रेकिंग न्यूज, अब असली एक्सक्लूसिव न्यूज क्या होती है वो दिखाना है।
बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सुबह की न्यूज तक वेट करना होगा। दत्ता दो वॉरियर, अबे जल्दी भगा ले, जल्द से जल्द बॉर्डर पे बम पहुंचाना है। चल चल चल। Listen guys, border se live news hai, I don't want any interruption and no editing. नमस्कार, मैं हूँ रुद्र दत्ता और अब जो न्यूज रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसे गौर से देखिए। रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द बॉर्डर, लाइव फ्रॉम द हार्ट। रोशनी बिखर गई। अरे ये कैमरा ऑन तो नहीं है ना? बड़ा डर लगता है चीजों से। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये मामला जो है बड़ा सीक्रेट है। ऐसा नहीं हो पाएगा सर, ये आपकी मिनिस्ट्री तो है। इट कम्स अंडर आर मिनिस्ट्री, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री सर। तो जाइए, जाके अपनी कुर्सी संभालिए। एंड यू मिस्टर, आपका चैनल जो हमेशा से सच दिखाता है उसे आपके जैसे लोगों की जरूरत है। वी डोंट वांट वॉर, हम फौजी क्या? किसी भी देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि जंग हो। वैसे भी हमारा मुल्क है तो तुम्हारा छोटा भाई, फौजी अपने छोटे भाई को माफ कर दो। लता दीदी दे दो, पाकिस्तान ले दो, अभी तो नया चल रहा है, मल्ली का शराबत दे दो। अरे छोड़िए यार, सानिया मिर्जा दे दी ना, अब प्यार से रह लो। मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ। अब्बू भी थे, वो फौज में ही थे, वो 5 साल पहले शहीद हो गए।
उसको क्या कहते हैं जी, मेक लव नॉट वार। घर पे धड़ाधड़ रिश्ते आ रहे हैं, पर यहाँ से छुट्टी मिले तो कुछ आगे बात बढ़े ना। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी फौजी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ, सॉरी वो नमस्ते कहना चाहता हूँ जी, नमस्ते। और दूसरी बात ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ में है ना वो मुर्गी वाली दावत हो जाए। मैंने तो जंग चाहिए जी जंग, लेकिन क्रिकेट का जंग जी जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम किधर चलाना है। बड़े जनाब जो कह देते कि इधर चला दो तो इधर चला देते हैं, उधर चला दो तो उधर चला देते। इनके इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ती कि अगर हम उन पे परमाणु हमला करेंगे तो वो क्या हमारे ऊपर गेंदे का फूल फेंकेंगे। अब ज्यादा क्या बोलूं, मैं चाहता हूं कि वार नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो ही तरीके, पहला प्यार का, दूसरा तलवार का। बस फर्क इतना है कि तलवार एक को दो करती है पर प्यार दो को एक करता है। ये जो मुल्कों के बीच जमीन पे दरारें खींची गई है, ये तो बादशाहों और सियासतदानों का काम रहा है, लेकिन ये दरारें दिलों में नहीं आनी चाहिए। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं। जो आपने अभी देखा ये वही सच है जिसे आज सिर्फ हमने ही नहीं हमेशा से भारत और पाकिस्तान के आम लोगों ने महसूस किया। ये बात सुनने में शायद बहुत अटपटी लगेगी कि सुपर पावर कंट्रीज हमारा उल्लू खींच रहे हैं, लेकिन शायद यही सच है कि एक सुपर पावर कंट्री जो पाकिस्तान के जरिए हम पर हमला करना चाहते हैं, वही दूसरी कंट्री हम दो देशों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। आज इतना मीडिया अडल्ट हुआ है, आपकी आने वाली नस्लों का भी। देव जो शो द रियल पावर ऑफ मीडिया, राइट, यही है वो जगह जहाँ मैंने हमारे वजीर आला का क्रोमा शूट किया था। गलती का एहसास हो गया है, अब दोनों मुल्क लंगोटिया यार थे। नहीं, एक ही लंगोटी चीर के दो कर दी, अलग अलग कलर दे दिया। हम पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, अमन। हमारी आवाम भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। I think we should take a stand against these superpower countries. We should boycott these products with immediate effect. आज से ये चाइनीज बंद और अपना समोसा आलू पराठा शुरू। चाइना हमारे हिंदुस्तान लद्दाख में 19 किलोमीटर अंदर आया। देखिए, हम ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारी तरफ से बायकॉट मेड इन चाइना। आज से चाइना आइटम बेचना बंद, बायकॉट मेड इन चाइना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे आपस में तो उनके हथियार बिकते रहेंगे। इसके पीछे लगता है जी, देखो जी, नेताजी का हाथ है। बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बैठ के सुलह होनी चाहिए। आई डोंट थिंक द कॉमन पीपल आर हैप्पी विद द वॉर। पतली जमीन ये आसमान, ये जो आवाम आप देख रहे हैं सड़कों पर उतर रही है, ये इस बात का सिंबल है कि अब ये बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। What a revolution, man! यार तू एक काम कर, तू अपनी फ्रेंड लिस्ट में ना सबको मैसेज कर दे कि प्लीज बॉयकॉट वॉर कम्प्लीटली। अबे मैंने ना ऑलरेडी कम्युनिटी बना दी, वॉर छोड़ना यार। काजन मोह ता चंगला ओ सिपुनला का थिंग चंगला गेटिंग बैड रिपोर्ट्स कैंसिल द आर्म्स डील विद इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस प्रेजेंट वी लूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स। व्हाट लक गए मामू, आई कैन लिव विदाउट फेफरा, वी विल बॉयकॉट द वॉर। हिंदुस्तान ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बायकॉट कर दिया है, इसलिए हमें यह वॉर यहीं पर रोकनी होगी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जैसे सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह से हिंदुस्तान को कोई हरा नहीं सकता। ठोको ताली गुरु। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं, बम तो बॉर्डर तक पहुंच गया, दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है। ये तो छोड़ दो और बम इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दो। खटाक। यार क्या कह रहे सर, कुछ मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर। ये क्लैगर मेरे हाथों से मार। अरे व्हाट इज दिस, वेरी गुड यार, सीख गए आप। आई वुड लाइक टू से
that we strongly oppose the war between India and Pakistan. जिस तरह से लोगों ने इस वॉर का बहिष्कार किया, उसे देखकर तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान सरकार को इस वॉर को रोकने की जल्द से जल्द पहल करनी ही पड़ेगी। तो आज कौन भारी पड़ा, जाट या दत्ता? ना जाट ना दत्ता, जनता। जनता जब भी पड़े भारी पड़े। एक बात थी, आज वो सच हुई। एक मिनट, क्या काम है भाई? जनाब यहाँ कमांडर खान कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे तो यही, काम क्या है? उनके नाम का पार्सल है। ये बम के ऊपर जो लिखा है इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये तो शैम्पू जैसा नाम है। अबे तुझे नहीं पता, ये बम जब फूटेगा ना तो इसमें से बहुत सारा डेंडरफ निकलेगा और सारे हिंदुस्तानी रूसी के मारे सर खुजा खुजा के पागल हो जाएंगे, और तभी चाइना लॉन्च कर देगा इसी नाम का शैम्पू मार्केट में, समझे? जनाब इसकी क्या जरूरत है, हैं? जंग तो होने की नहीं है। और सभी क्यों नहीं यार? जनाब हमारी मिसाइल टेस्टेड नहीं है, और वैसे भी ये मिसाइल फ्री बॉम्ब है। पीछे की सूरती है, उसमें आग लगा दीजिए, ऊपर से ढाकन खुलेगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। जाहिल मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? कमांडर खान, अरे ये बम लॉन्च तो नहीं किया? अरे लॉन्च ना किया, बत्ती लगा दी थोड़ी सी, ये बोले थे जनरल साहब। अरे बाहर जाए जनरल साहब। व्हाट इज दिस? अरे कोई बुझाओ इसे। अरे लाइव न्यूज टेलीकास्ट है ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये लाइव न्यूज है ना? जी हाँ सर, फुल लाइव। कैसे बुझाओ? फायर ब्रिगेड बुला, देखने के साले। फायर ब्रिगेड? सताबे को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड? अरे भाई ये किसी के घर में आग थोड़ी ना लगी है। घरों में ही तो आग लगी है जनाब, बुझाने का वक्त आ गया है। कुछ समय पहले आप लोग जो वीडियो टेप देख रहे थे वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच नहीं है। अरे निकालो इसे, बुझाओ बुझाओ इसे। अरे ये क्या क्या जनाब आपने सीताबा फट दिया? ये तो यही फट जाएगा क्या? लाहौल मिला। अरे अरे भाई, हम किसी से डरते नहीं है। अरे ये गोली किसने चलाई भाई? सर मैंने तो पहले भी आपको कहा था, ऑर्डर है ये, यहाँ गोली और रॉकेट किसी भी वक्त चल सकती है। कैसे भी करके ये जंग रुकवा दीजिए। अरे 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 सर, किसने चलाई गोली? अरे चलो चलो सर। अरे सर, तुमको क्या ताली मार रहे हो? सुना नहीं तुमने? फटने वाला यहाँ पे जाइए जनाब। नॉट स्पीक टू मी, छिप लो। अबे तू मत गई हो। अबे सोचो ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये लड़की कौन है? जय जवान, 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 जय जवान,
तीर तुम, तेज तीर तुम, मिटना पाए वो लकीर तुम। ढंग से ना फिरे चाहे हो घिरे, मर के ना मरे किसी से ना डरे, कभी भी ना गिरे हो